बहुत कंफ्यूजन है, जानती हूँ और समझती भी हूँ। तो रिसेंटली एक बहुत ही हीटेड एंड डिस्टर्बिंग कंट्रोवर्सी सामने आई है बिटवीन माय वेरी ओन फेवरेट अलग सर एंड धतरवाल, जो एजुकेशनल फील्ड में काफी फेमस दो नाम है। तो केस कुछ ऐसा था कि अमन धतरवाल के कोचिंग कक्षा ऑनलाइन कोचिंग के कुछ टीचर्स को हाई सैलरी पे पोर्च किया गया है, जैसा कि उनका कहना था यूट्यूब चैनल पे उनके। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई फील, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू फॉर अ वेरी गुड चंक ऑफ टाइम। आई नो दैट नो मैटर हाउ द कोचिंग कंपटीशन एंड कैट रेस गेट्स, पीडब्ल्यू ऑलवेज थिंक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ वेरी एथिकल वे। ही नोज दैट अभी अगर मैं किसी भी टीचर को पोर्च करूंगा या कहीं भी कोचिंग से लाऊंगा बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द बॉन्ड, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा। पता है इसी बात पे ना मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का वो सीन याद आ गया जब शनाया दोनों लड़कों को कन्फ्रंट करके बोलती है कि वो कोई कंपटीशन का हिस्सा नहीं है एंड शी इज नॉट अ ट्रॉफी। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन लाने की बात अलग सर करते हैं, वो कोई कंपटीशन नहीं है यार, उनका एक मोटिव है। तभी तो यार अभी तुम बताओ, कोई भी इंसान अगर दूसरों को नीचा दिखाने या नीचा गिराने की कोशिश करता है वो इतना आगे नहीं बढ़ पाता है अनलेस एंड अंटिल उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव हो। एंड हम और तुम सब जानते हैं कि अलग सर हर एक कोर्सेज मतलब उनने टच कर चुका है, हर कॉम्पिटेटिव हर गेट एग्जाम का प्रिपरेशन उन्होंने टच किया है। तो यार वो एक बहुत ही बड़े मोटिव से किया होगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नीचा गिराने या अपने आप को सुपीरियर दिखाने वाला इंसान कभी इतना आगे तो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो गाइज मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सब जो कॉन्ट्रोवर्सीज है ना, ये सब प्रोडक्ट है उस मार्केट में जहाँ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम चलता है। इट्स काइंड ऑफ ऑल बिजनेस फॉर व्यूज वीडियोस, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट, एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है एंड YouTube वीडियोस बूम, इतने YouTube वीडियोस इतना व्यूज, तो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स का या जो भी ऐसे अफवाह उड़ाने वाले चैनल्स होते हैं, आज ये हो गया आज वो हो गया। एंड सबसे ज्यादा लॉस पता है किसका हो रहा है, ऑडियंस का, वो भी स्टूडेंट ऑडियंस का जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उसका, तुम लोग का। तुम लोग ये कॉन्ट्रोवर्सीज में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, को बहुत लोग बहुत बच्चे प्यार करते हैं, फिजिक्स वाला को भी बहुत बच्चे प्यार करते हैं, मैं खुद दोनों टीचर्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इसका क्या मतलब है यार, तुम ये पागल हो क्या, तुम्हें क्यों चूज करना है दोनों के बीच में? तुम्हें तुम्हारा सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा चीज सीखना है, तो वो चाहे दुनिया में कोई भी सिखा जाए यार। अब उनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी है तो तुम कौन होते हो चूज करने वाले कि ये सही है ये गलत है? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 100 चैप्टर को याद करना। तुम्हें जिस टीचर से समझ में आ रहा है जो चैप्टर, तुम उस चैप्टर पढ़ो उस टीचर से। जरूरी है क्या कि तुम फिजिक्स वाला को इनरोल कर चुके हो तो अमन भैया का कोई भी कोर्स कोई भी चैप्टर कोई भी टीचर का नहीं दे सकते हो? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम से मतलब होना चाहिए, मेरा ये चैप्टर का कोई भी टॉपिक खराब नहीं होना चाहिए, मेरा इस चैप्टर के सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर वो चाहे दुनिया में किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, वो अगर मुझे पढ़ा जाए और मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मतलब मेरा सिलेक्शन हो रहा है। सो ये सब कॉन्ट्रोवर्सी में फंसने से बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, मेंटली पीसफुल रहोगे। बस तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए, मेरा ये चैप्टर आज करना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर वो चाहे मुझे किसी भी टीचर से समझ में आ जाए मैं पढ़ के नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तुम्हें ना एक टीचर को नहीं चूज करना है भाई, ये सही है ये गलत है, यार ये बिजनेस है, ये तुम्हारे सामने आ गया इसलिए तुम अफेक्ट हो रहे हो, बिहाइंड द सीन्स ये चलते रहते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल गाइज, नो नीड टू रिएक्ट इतना ज्यादा कि अच्छा इसने ऐसा कर दिया अब तो हम हेट करेंगे फिजिक्स वाला को या फिजिक्स वाला ने सही किया है अब हम अमन भैया को हेट करेंगे। तुम अपना काम करो ना यार, तुम्हें पता है कभी भी हम बोलते हैं ना कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक जार में ब्लैक एंड्स और रेड एंड्स वो सब थे ऐसे मतलब शांति से, बट किसी तीसरे इंसान ने उसको शेक कर दिया, उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, ब्लैक एंड्स को लगा कि रेड एंड जो है हमारी एनिमी है और रेड को लगा ब्लैक, तो वो दोनों आपस में लड़के एक दूसरे का काम खत्म। यार तुम एक बात बताओ, जार शेक किसी तीसरे इंसान ने किया लेकिन वो दोनों आपस में लड़के अपने आप को ही बर्बाद कर लिया,
तो अगर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है वो पता है अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें ये बात नहीं पता चलेगी, बट जो तुम अपना टाइम वेस्ट किए हो ना उनसे उनका बिजनेस और बढ़ेगा। तुम ये सार वेस्ट कर दिए अपना फिर से ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ के, पढ़ाई नहीं किए, फिर तुम कहाँ जाओगे, फिर उन्हीं की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे। तो अल्टीमेटली फायदा उन्हीं का होगा, उन्हीं का बिजनेस एक्सपेंड होगा, क्योंकि तुम जैसे बच्चे हर साल फेल होके आते रहोगे, पढ़ते रहोगे, और तुम अपना उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से समय बर्बाद करते। यार तुम बहुत गलत करो अपने पेरेंट्स और अपने सपनों के, उनका कुछ नहीं होगा। एट लास्ट में बताना चाहूंगी कि आखिर में ना तुम्हें अकेले ही उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस पे चल के तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनेशन मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव होगा, तुम्हें तुम्हारा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और पता है थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन ऐसे काफी सिचुएशंस आते हैं जिसमें बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बच्चे नहीं होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक तुम अच्छे से पढ़ रहे थे, अगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से तुमने एक हफ्ते में डिस्टर्ब किया होगा तुम्हारा बैकलॉग एक्यूमुलेट हो गया होगा इतना ज़्यादा कि अब तुम पीछे छूट गए होगे। तो पता है थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन वी ऑलवेज नीड अ पर्सन हु कैन गाइड अस एंड टेक अस टू द राइट पाथ। अगर तुम्हारे साथ कोई भी मेंटर होता उस समय जिस समय कंट्रोवर्सी चल रही होती तो डेफिनेटली वो मेंटर तुम्हें गाइड करके बोलता बेटा पढ़ो, ये सब फालतू है। एंड तुम्हें पता है यूट्यूब खोलने की जरूरत ही नहीं होती अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल मेंटर होता तो। हम यूट्यूब खोलते ही क्यों है, मेंटरशिप के लिए खोलते हैं, गाइडेंस के लिए खोलते हैं, बट अगर हमारे पास हमारा पर्सनल मेंटर हो तो हमें यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि पूरे साल यूट्यूब पे क्या हो रहा है। सो आई हैव अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स एंड I think you guys trust me. So if you guys trust me, you can fill the Google form in the description box. Those who are interested in mentorship, and you know what, mentors like me, even better than me. And if I get time, I will also guide some of the students and we'll help you to save your time from all the rubbish kind of content that are available on YouTube. मैं इस mentorship के बारे में ज़्यादा तो disclose नहीं करना चाहूँगी, but मैं ये बोलूँगी कि this is not like other corporate mentorship जिसमें तुम्हें कोई teacher या कोई counselor guide करेगा। तुम्हें इस mentorship program में guide करेंगे MBBS student जो recently नीट क्लियर करके कॉलेज में आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मी टू। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर 2000 बच्चों को गाइड करने की कोशिश करूँगी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैंने जितना डिफिकल्टी फेस किया है उतना अगर मैं किसी भी एक बच्चे का हेल्प कर सकूं और उसका ड्रॉप होने से बचा सकूं तो मुझे ऐसा फील होगा ना कि मैंने अपना साल बचा लिया है। एंड ये मोटिव मेरा पिछले साल से था कि मैं किसी न किसी बच्चे को हर साल गाइड करूंगी एंड मेरे गाइडेंस से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बहुत DMs एंड जीमेल आए हैं, वो मेरे लिए बेस्ट डे था। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म। और ये सब पछड़े में मत पड़ो यार, अपना एक मेंटर सेलेक्ट करो और पूरे साल जम के तैयारी करो, फिर तो तुम भी मेंटर बन सकते हो एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई मेंटरशिप प्रोग्राम टू। आई रियली वॉन्ट दैट चेन कि हाँ पहले तुम किसी के वजह से सेलेक्ट हो फिर तुम कारण बनो किसी और के सिलेक्शन का। यू नो वॉट, बहुत बड़ा सपना देख लिया है मैंने एंड आई थिंक एक बार सपना देख लिया है तो पूरा करने की उम्मीद तो है, लेट्स सी कितना कर पाते हैं। तो जाओ जल्दी से गूगल फॉर्म भर दो एंड वी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ा।